ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बात। ऐसा कुछ नहीं है, राजनीति तो इसमें मुझे कहीं पर नहीं दिखाई देती है। पहले जो डंपिंग ग्राउंड था, इस डंपिंग ग्राउंड की जो बदबू का दायरा था वो कुछ 5 नंबर तक सीमित था। दिन ब दिन वो डंपिंग ग्राउंड पहाड़ का रूप लेते जा रहा है और पहाड़ का रूप लेते लेते उसकी बदबू का दायरा वो भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो इस समय आमदार साहब इसको अगर हमारी आवाज़ को राजनीति कहते हैं तो उनकी सोच पर मुझे हैरानी हो रही है। मैंने आपको कुछ अपने व्हाट्सएप ग्रुप दिखाए भी, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में 20 जुलाई के आसपास इतने सारे कंप्लेंट्स आए कि हमारे प्रभाग में भी बहुत सारी बदबू आ रही है, अमर जी कुछ कीजिए। तो हम लोगों ने आमदार साहब को, मैंने कहा कि आमदार साहब को भी कंप्लेंट आप लोगों को करनी चाहिए। तो आमदार साहब को बहुत सारे लोगों ने, मेरे प्रभाग के रहवासियों ने और उनके क्षेत्र के रहवासियों ने भी शिकायत की, जिसका असर दिखाई दिया। आमदार साहब दूसरे दिन मंत्रालय में जाके कुछ पत्र व्यवहार करते हुए फोटोज उन्होंने वायरल किए। उसके बाद फिर से ये बदबू बढ़ती गई तो हम लोगों ने एक्शन उठाना चालू किया। अगर अपनी प्रभाग के रहवासियों के लिए अगर मैं आवाज़ उठा रहा हूँ और शेरी जी आवाज़ उठा रहे हैं, तो उसको राजनीति कहना मुझे तो ठीक नहीं लगता है। मगर इस टाइम पे सिर्फ एक प्लॉट लेने की बात चल रही है पूरे शहर में, डंपिंग ग्राउंड के लिए प्लॉट मिलना चाहिए नगर पालिका को, डंपिंग ग्राउंड को ख़त्म करना चाहिए, ये विषय पर कोई चर्चा कर ही नहीं रहा है। डंपिंग ग्राउंड को ख़त्म करने का तरीका है, आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो गई है, इस कचरे को, इस वेस्ट को हम लोग वेल्थ में कन्वर्ट करके बहुत सारी बचत भी कर सकते हैं नगर पालिका की, और नगर पालिका का इनकम सोर्स भी बढ़ जाएगा। और रेवेन्यू तो आज नगर पालिका को चाहिए, क्योंकि हमारे शहर की बहुत हालत ख़राब है, बहुत सारे पैसे आएंगे, काम में ही आने वाले हैं वो पैसे। तो इस मुद्दे पर इस तरीके से चर्चा करनी चाहिए, न कि इस मुद्दे को राजनीतिक तूल देनी चाहिए। तो मेरा भी आमदार साहब से यही निवेदन है, विनंती है कि इस विषय को इस तरीके से ना लेके इस विषय को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल हमारा साथ दें। अगर आप विरोध में हैं इस डंपिंग ग्राउंड के, तो हम भी विरोध में हैं, तो विरोधी जब दोनों ही हैं तो इस विरोध में साथ देके इस विषय को जल्द से जल्द खत्म करवाएं, और हमारा कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है इसमें। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बात।